नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जिस माई ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे वेद के बारे में, जो भारत में चार वेद लिखे गए थे। और इससे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल गाइस, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में एक वेद की रचना हुई थी ऋग्वेद की, एंड उत्तर वैदिक काल में तीन वेद की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद गाइस, ठीक है। इन पे हम लोग चार वेद के बारे में आज और इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, ठीक है। मैं हमने टॉपिक का नाम डालेंगे वेद, वेदा इंपोर्टेंट है। कुछ थोड़ा हम प्रश्नों में बता देते हैं। वेद जो है, पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेदा। सेकंड है सामवेद। थर्ड है यजुर्वेद, एंड फोर्थ है अथर्ववेद गाइस, अथर्ववेद। ओके, वेदों के जो संकलनकर्ता है, संकलनकर्ता गाइस, संकलनकर्ता, कंपाइलेशन, कंपाइलेशन किसके द्वारा किया गया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये पूरा नाम है इनका। इनके द्वारा वेदों का संकलन किया गया था, कंपाइल किया गया था गाइस, ठीक है। वेदों की जो भाषा है, जो भाषा है, लैंग्वेज है वेद की, वो है संस्कृत गाइस, ठीक है। कुछ पॉइंट लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो लिपि है, स्क्रिप्ट है गाइस, वो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, याद रखना। सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के जो भाष्यकार हैं, भाष्यकार माना गया है स्कंद स्वामी को, स्कंद स्वामी को। और ये वल्लभी गुजरात से बिलोंग करते हैं। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भाष्यकार स्कंद स्वामी है, ठीक है। महाभाष्य ने इन वेदों के बारे में अलग अलग बातें करी हैं। सेकंड जो है वो महाभाष्य है, ठीक है। जैसे पतंजलि का कौन सा है? महाभाष्य है, महाभाष्य रचना है पतंजलि की। और इसमें वेदों के बारे में बताया गया है, चारों वेदों के बारे में डिस्कस किया गया है गाइस, ठीक है। पतंजलि का महाभाष्य रचना है, इसमें वेद के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो नंबर वन हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, के ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है। ऋग्वेद इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उपवेद क्या है, क्या पाया गया था इसमें, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे यहां पर। पाठकर्ता जिसे कहते हैं रीडर या पाठकर्ता गाइस, ठीक है, वो है होत्र या होता, होत्रा, इसको हिंदी में लिखेंगे होता, या मैं जैसा भी लिखना चाहूं आप लिख देखते रहना है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, समझ लेना। पाठकर्ता होत्रिया होता, उपवेद, उपवेद वेद का उपवेद, ठीक है। आयुर्वेद गाइस, आयुर्वेदा है इसे हम कहते हैं आयुर्वेद। अब आयुर्वेद है तो समझो जड़ी बूटियों का अध्ययन किया गया इसमें, ठीक है। और ऋग्वेद को हम क्या मानते हैं? प्राचीनतम वेद मानते हैं, प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। सबसे पुराना, ओल्डेस्ट माना गया है, सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है ऋग्वेद को। ऋग्वेद में कई सारी बातें करी गई हैं। बाल खिल्ले हैं 11 इसमें, और सॉरी 10 बाल खिल्ले हैं, और सॉरी 11 बाल खिल्ले हैं, और 1017 जो है सूक्त हैं। तो टोटल हम मान लेते हैं सूक्त कितने हैं इसमें, लगभग 1028 सूक्त हैं, याद रखना। अगर हम बात करें श्लोक की, श्लोक कितने हैं इसमें, श्लोक, ठीक है, 10,464 की बात करी गई है, कहीं कहीं 10,470 लिखा हुआ है, 570 लिखा हुआ है, तो याद रखना। इसमें से 11 तो बाल खिल्ले हैं, बाल्य खिल पूछा जाता है, ये सब पॉइंट है। ऋग्वेद में जो है
इसमें से 11 हैं याद रखने को, 1000 सॉरी हाँ वैसे तो 1000 हमारे 17 ये हो जाएंगे सूक्त और 11 बालखिल्य हैं, तो इस टोटल कितना हुआ 1028, इस तरह से करना है ठीक है। श्लोक कितने हैं 10,464 हैं ठीक है ना, तो याद रखना है। इसमें लगभग कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल हैं गाइस, 10 डिवीजन है, और 10 डिवीजन में बताता हूं दो से सात जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे प्राचीन मंडल के नाम बताइए, तो सबसे प्राचीन मंडल है कौन से, 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है, मतलब इनको हम लोग कह सकते हैं ऋषि मंडल, क्या बोल सकते हैं ऋषि मंडल भी कह सकते हैं ठीक है ना, ऋषि मंडल भी कहते हैं 2 से 7 मंडल को, सबसे प्राचीन मंडल यही है याद रखना। नवीनतम मंडल की बात करें, नवीनतम न्यू डिवीजन, नवीनतम मंडल की बात करें तो वो है 10वां मंडल गाइस, 10वां मंडल नवीनतम मंडल है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ज्यादा डिप्रेशन मत रह जाना कहीं ज्यादा बता रहे हैं, शॉर्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा गाइस। कुछ मंडल की बात कर लेते हैं, जैसे कि 10 मंडल है तो कुछ सब मंडल की यहाँ बात करते हैं, कुछ मंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से किस मंडल में क्या क्या है। कुछ मंडल जैसे पहले मंडल में क्या है गाइस ठीक है ना, पहले मंडल में क्या है, लगभग 20 राजाओं का उल्लेख है, हल वाली गीत गाए गए इसमें 20 राजाओं के बारे में है या का उल्लेख किया गया है, ऐसे लिख लेते हैं डिस्क्राइब टू 20 किंग्स फर्स्ट मंडल में, फर्स्ट डिवीजन मतलब फर्स्ट जो मंडल है वो किसको समर्पित था, 20 राजाओं का उल्लेख किया गया इसमें, और हल वाले गीत का उल्लेख किया गया है, हल वाले गीत का भी उल्लेख किया गया इसमें ठीक है ना। पूछा जाता है हल वाले गीत का मंडल किसमें है, फर्स्ट मंडल में। सेकंड मंडल जो समर्पित है, सेकंड मंडल वो गृहस्पद एक ऋषि है उनको समर्पित है गाइस ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस याद रखना है, मैं बात कर रहा हूं मंडल की, मंडल जरूरी है, हर किसी का डिवीजन होता है, डिवीजन को पढ़ने के लिए हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट मंडल में 20 राजाओं को उल्लेख जिसे कहते हैं हल वाले गीत, सेकंड मंडल में गृहस्पद ऋषि का उल्लेख है जिसको हम समर्पित है, सेकंड मंडल किसको समर्पित है पूछा जाता है, तो ऋषि गृहस्पद ऋषि है जिनको समर्पित है ठीक है। तीसरा मंडल किसको समर्पित है ठीक है ना, ये समर्पित है गाइज, ये समर्पित है पूछा जाता है कि किसकी व्याख्या की गई है किस मंडल में। तो थर्ड मंडल में देवी सविता की बात की गई है, गॉडेस सविता है, देवी सविता है, गॉडेस ठीक है ना, गॉडेस सविता है, गॉडेस सविता माता के उल्लेख किया गया इसमें, और इसी को मतलब प्रे करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए गायत्री मंत्र रचना की गई थी पूछा जाता है। गायत्री मंत्र रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने, गुरु विश्वामित्र ने गाइस याद रखना ठीक है। गायत्री मंत्र कंपाइलेशन या क्रिएटर कौन है, गुरु विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र लिखा था, और गायत्री मंत्र क्यों, गायत्री मंत्र की प्रार्थना मतलब प्रे फॉर किसके लिए, देवी सविता के लिए कहते हैं, गायत्री मंत्र सरस्वती माता के लिए गाया जाता है, वो सत्य बात है ठीक है। तो फिफ्थ मंडल में क्या रहेगा, फिफ्थ मंडल डेडिकेटेड फॉर अत्रि, एक ऋषि है अत्रि ऋषि के लिए समर्पित है ठीक है। एंड सिक्स मंडल समर्पित है भारद्वाज ऋषि हैं उनके लिए समर्पित है, कौन सा सिक्स मंडल भारद्वाज ऋषि के लिए समर्पित है। सेवंथ मंडल समर्पित है हमारा गुरु ऋषि वशिष्ठ जिसको हम सप्त ऋषि मंडल भी कहते हैं, सप्त ऋषि मंडल भी कहते हैं गाइस याद रखना। इसमें सारे के सारे संतों महात्माओं ब्राह्मणों की बात की गई है, और इसी वजह से ऋग्वेद को एक तरह से सबसे प्राचीन वेद माना गया है, सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है ऋग्वेद, जिसके मैंने बताया था भाष्यकार बताया गया स्कंद स्वामी जो भी 625 ईस्वी में करते हैं। वैसे ऋग्वेद का समय आपको पता है 1500 बीसी से लेकर लगभग कितना बैठेगा, 1500 बीसी से लेकर डिस्कस हो चुका था पहले प्रीवैदिक में, 1000 बीसी तक का समय है किसका,
ऋग्वेद का गाइस, ठीक है ना, सातवें मंडल में ये है। आठवें मंडल में डिस्कस करते हैं, आठवां मंडल किसको समर्पित है गाइस? आठवां मंडल समर्पित है कर्ण ऋषि हैं, एक कर्ण ऋषि हैं, उनके लिए समर्पित है कर्ण ऋषि, महात्मा कर्ण ऋषि। नौवां मंडल है, नौवां मंडल सोम देवता है, गॉड सोम देवता है। सोम को हम नेचर गॉड भी कहते हैं, मतलब वनस्पति को देवता कहते हैं, ठीक है, नेचर गॉड भी कह सकते हैं, नेचर गॉड है, ठीक है ना, वनस्पति देवता है। और दसवें मंडल में हम बात करते हैं, दसवां जो मंडल है उसमें हम लोग पुरुष सूक्त की बात करते हैं। पुरुष सूक्त मतलब शूद्र की भी बात की जाती है, इसमें शूद्र का भी उल्लेख किया गया है, किसमें? दसवें मंडल में। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने मंडल बता दिए हैं, मंडल का मतलब ऋग्वेद का जो आगे व्याख्या करने वाला है वो कौन सा है? मंडल है, सारे के सारे जो दस मंडल हैं वो आगे व्याख्या कर देते हैं ऋग्वेद की। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट वेद है ऋग्वेद, जो आगे व्याख्या कर देते हैं इसके मंडल के द्वारा। ये सारे ऋषि हैं जो ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करते हैं, और रीडर होता है, होत्र हैं, उपवेद आयुर्वेद हैं, प्राचीनतम ग्रंथ है गाइस। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारे के सारे ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं गाइस वो है कौशितिकीय और ऐतराय, इंपॉर्टेंट रहे, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कौशितिकीय, कौशितिकीय ऐतराय, ऐतराय, कौशितिकीय और ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। हम ब्राह्मण ग्रंथ तो सभी के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को क्यों रचा गया था? क्योंकि वेदों को आसानी सरल भाषा में समझा जा सके, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी गाइस, ठीक है ना, आसान भाषा में समझा जा सके, इसलिए क्या किए थी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? कौशितिकीय गाइस और एक ऐतराय, ठीक है ना, कौशितिकीय और ऐतराय। ऐतराय में डिस्कस क्या किया गया है? कर्म के आधार पर कर्म को प्रधान माना गया है, ठीक है, कर्म को प्रधान माना गया कि कार्य जो भी होंगे वो कर्म के आधार पर किए जाए, ठीक है ना, जो इंसान की पहचान होगी वो कर्म के आधार पर होगी। तो ये बात की गई किसमें? ऋग्वेद में बात की गई है गाइस, ठीक है ना। तो ऋग्वेद से संबंधित मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना, जो भी पॉइंट और मैं लिखा दूंगा। होत्र कहते हैं, ठीक है ना, उपवेद कौन है? आयुर्वेद है, प्राचीनतम ग्रंथ है, सूक्त इतने हैं, बालखिल्य कितने हैं? 11 हैं, 1017 पहले क्या थे सूक्त, उसमें बालखिल्य मिला कितने, 1028, श्लोक 10464 रहेंगे। मंडल इसमें कितने हैं? 10 हैं, 2 से 7 मंडल को कहते हैं, सबसे प्राचीन बोलते हैं गाइस। और नवीनतम मंडल कौन सा है? 10वां मंडल कहते हैं। ऋषि मंडल किसे कहते हैं? 2 से 7 मंडल को कहते हैं। और कुछ मंडल मैंने बता दिए हैं, ये सारे मंडल इंपोर्टेंट हैं, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। और हमारे अगर वनडे एग्जाम से रिलेटेड देखा जाए तो 9वां मंडल कर लेना आप, और आप 7वां मंडल कर लेना, 10वां मंडल भी कर लेना, इंपोर्टेंट है, 7वां मंडल है, 3rd डिवीजन है, ये वनडे एग्जाम्स के लिए है, इंपोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, तो बताइए कैसे कुछ में है, ठीक है ना। और ऋग्वेद की कितनी है? लगभग 12 शाखाएं हैं, मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, ऋग्वेद की कितनी गाइस शाखा है? लगभग 12 शाखाएं हैं, 12 शाखाएं हैं ऋग्वेद की, ठीक है ना, जिसमें 5 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है, 12 शाखाएं हैं जिसमें लगभग कितनी है? 5 प्रमुख शाखाएं रहती हैं। तो ये मैंने बता दिया है अबाउट ऋग्वेद के बारे में। इसमें जब आयुर्वेद के बारे डिस्कस किया गया है तो जड़ी बूटियों का भी इसमें अध्ययन किया गया है, आयुर्वेद है तो मुझे लगता है इसमें जड़ी बूटियों को भी क्या किया गया गाइस? अध्ययन किया गया है, ठीक है ना, पूछा जाए जड़ी बूटियों का अध्ययन किसमें है? जड़ी बूटियों का अध्ययन, जड़ी बूटियों का अध्ययन भी किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है, जड़ी बूटियों का अध्ययन ऋग्वेद में किया गया है गाइस, ठीक है ना। ऋग्वेदी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी, यहाँ के ऋषि मुनि संत महात्मा ऋग्वेद को ऊंचा उठाने के लिए कई तरह के यज्ञ और श्लोक मंत्र उच्चारण करते रहते थे गाइस। तो यहाँ जो 5, 12 शाखाओं 5 प्रमुख गाइस, एक शाकल है, वास्कल है, आसुवालायन है, शांखायन है, मांडुके है, ये इंपोर्टेंट है ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं 5 है ऋग्वेद में जो डिस्कस किया गया है। शांखायन, शांखायन जिसे हम कहते हैं कौशितिकीय को, तो उसमें यज्ञों की बात की गई है, मैंने पिछली बार लिखाया है कौशितिकीय में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की बात की गई है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न यज्ञों की बात की गई है, ये बात की गई है याद रखना, इम्पोर्टेंट रहेगी, इम्पोर्टेंट है ये सब।
और ऋग्वेद के प्रारंभ में गाइस, ऋग्वेद के प्रारंभ में अग्नि की उपासना की गई है। अग्नि की उपासना मतलब अग्नि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है पूछा जाए तो। दूसरे नंबर पर इंद्र की उपासना की गई है, इंद्र की अग्नि की लगभग 250 बार 250 टाइम्स इंद्र की 200 टाइम्स उपासना की गई है, ठीक है ना। गंगा का, गंगा नदी का, गंगा रिवर का ओनली वन टाइम, यमुना रिवर का, यमुना रिवर का 3 टाइम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा अग्नि आग की इसमें पूजा पाठ की गई है 250 टाइम्स, इंद्र का 200 टाइम्स है, गंगा रिवर का 1 टाइम है, यमुना का 3 टाइम्स है, ठीक है ना। इसमें गाय की भी उपासना की गई है, हम बात करें काव, काव को भी माना गया है, ठीक है ना। इसमें सरस्वती की उपासना की गई, सरस्वती नदी की भी उपासना की गई है। इसलिए ऋग्वेद को हम एक बहुत अच्छा वेद मानते हैं। लगभग 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है, 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है किसमें, ऋग्वेद में गाइस, ठीक है ना। डिस्क्राइब्स टू 33 गॉड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा से संबंधित मैंने ये पॉइंट लिखा दिए हैं, इम्पोर्टेंट हमारा आज ऋग्वेद मैंने समाप्त किया है, ठीक है ना। तो ये लगभग ऋग्वेद से रिलेटेड ही हमारे कई सारे पॉइंट हो जाते हैं, मैंने बता दिया है। कौशितिकी में विभिन्न यज्ञों की बात की गई है, विभिन्न टाइप के यज्ञ हैं, और ऋग्वेद के प्रारंभ में अग्नि की सबसे ज्यादा हमने यहाँ पूजा पाठ की है, देन इंद्र की पूजा की है, गंगा रिवर का उल्लेख है, यमुना है, ठीक है, काव है, सरस्वती है, 33 देवता को उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और शूद्रों का भी इसमें वर्णन कर रखा है ऋग्वेद में। और इसमें हम लोग बात करें पाठ की, तो पाठ विभिन्न प्रकार के हैं, कहते हैं ऋग्वेद को पढ़ेगा तो वो एक मेडिटेशन अवस्था में अपने आप को पाएगा। लेकिन गाइस इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग परीक्षा से संबंधित ही नहीं पढ़ पाते हैं, आगे की बात कहाँ से पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसमें सामवेद की, क्योंकि सामवेद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग सामवेद, यहाँ हम डाल लेते हैं सामवेद, और सामवेद से रिलेटेड जो पॉइंट है मैं यहाँ लिखा दूंगा, क्योंकि रचना काल तो वही है गाइस, सेम उत्तर वैदिक काल में रहेंगे, क्योंकि वैदिक काल के पाठ है। तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक के पाठ को हम लोग कहते हैं सामवेद की रचना की गई थी इसमें, ठीक है ना। और सामवेद का उपवेद का नाम क्या है, उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद याद रखना, गंधर्व वेद। आप ये ऋग्वेद में याद रखने, पद में रचा गया था ऋग्वेद, पद में रचा गया था, ठीक है ना। सामवेद उपवेद गंधर्व वेद है, गंधर्व माने जो नृत्य होता है, मतलब कह सकते हैं संगीत का प्राचीनतम क्या है, ग्रंथ है। संगीत का प्राचीनतम गाइस क्या है, ये ग्रंथ है, कौन सा, सामवेद, याद रखना, ठीक है ना। म्यूजिक का ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट वेदा है म्यूजिक का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखना है, ठीक है ना। मतलब भगवान स्तुति के लिए, मतलब गॉड की स्तुति के लिए कहा जाता है, गॉड की प्रे के लिए, प्रे के लिए लिखा गया वेद है, ये लिखा गया ग्रंथ है गाइस, याद रखोगे आप लोग, ठीक है ना। जैसे कि आज हम लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ विधि में इसका यूज किया जाता है। पहले भी भजन कीर्तन होते थे, लेकिन कोई ऐसा म्यूजिक नहीं था, सिर्फ भजन भजन जो कीर्तन हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करते थे, वो उच्चारण से होते थे, मंत्रों को उच्चारण से किया करते थे यहाँ पर सामवेद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, क्योंकि मैंने बताया ब्राह्मण ग्रंथ उनको कहते थे जो सरल भाषाओं को बता सकते हैं। तो सामवेद को या किसी वेद को पढ़ना है तो सरल भाषाओं को जान, सरल भाषा करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक तो हमारा जैमिनी है, जैमिनी, ठीक है ना, और एक है तांडे है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, तांडे में भूकंप का वर्णन कर रखा है, भूकंप का वर्णन कर रखा है, ठीक है ना, किसमें है, सामवेद में है, ठीक है, तांडे जैमिनी। और एक इसका उपनिषद है, उपनिषद जानते हैं गाइस, उप का मतलब नजदीक, शिक्षा ग्रहण करना, नजदीक गुरु के समीप आकर, मतलब इसका अर्थ होता है गुरु के समीप आकर शिक्षा ग्रहण करना, उपनिषद। तो उपनिषद देखा जाए इसमें छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, और छांदोग्य उपनिषद को हम कहते हैं सबसे प्राचीन उपनिषद गाइस, ठीक है ना, ओल्डेस्ट
ओल्डेस्ट उपनिषद है ये, उपनिषद ओल्डेस्ट उपनिषद है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य है। और छांदोग्य में हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान को देवकी पुत्र देवकी व वासुदेव, याद रखने प्रमाण मिले हमें, वासुदेव पुत्र कहा गया है गाइस, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देवकी व वासुदेव पुत्र कहा गया कृष्ण भगवान को इसमें छांदोग्य उपनिषद में। और इसमें कृष्ण भगवान का गुरु के नाम बताए गए हैं, गुरु कौन है, घोर अंगिरस गाइस। इसमें व्याख्या की गई है कि कृष्ण भगवान के गुरु का नाम क्या है, घोर अंगिरस की बात की गई है, ठीक है ना, घोर अंगिरस की बात की गई किसमें, छांदों के उपनिषद में। और छांदों के उपनिषद से प्राचीन उपनिषद है पूछा जाए तो, क्योंकि उपनिषद की संख्या कितनी है, टोटल 108 है, जिसमें से हम लोग 12 उपनिषद पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि शाखा कितनी ऋग्वेद की, 12 है, जिसमें से हम 5 प्रमुख पढ़ते हैं। ऐसे ही टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, जहाँ हम लोग 12 उपनिषद की व्याख्या करते चले जाएंगे गाइस, ठीक है ना। हर वेद में अलग अलग उपनिषद की बात की गई है, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ मैंने बता दिया, एक है पंचविश, इसका जो आरण्यक है उसका नाम है पंचविश, एक आरण्यक है, ठीक है। आरण्यक जो जंगल में वनों में जाकर तपस्या करे या शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे तो वो आरण्यक है, रिलेटेड टू ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो याद रखना ये कुछ पॉइंट हैं सामवेद से रिलेटेड। सामवेद की रचना सिर्फ इसलिए की गई कि देवी देवताओं को भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से प्रसन्न किया जा सके, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी किसमें लिखा हुआ है, पद में रचित है, और इसकी जो भाषा है वो भी आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा है, पहले बता चुका हूँ। और लिपि कैसी है, लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि है। और कहीं कहीं शारदा लिपि देखा जाए, प्राचीन लिपि की बात करें जो अस्तित्व में आई थी सबसे पहले, तो वो शारदा लिपि थी, शारदा लिपि गाइस, ठीक है, शारदा लिपि आई थी प्राचीनतम, अगर बात करें शारदा लिपि में पाई गई थी। लेकिन बाद में डिस्कस और उत्खनन और खोज के आधार पर ब्राह्मी लिपि में बात की गई थी। तो आज हमने वेद के दो पार्ट डिस्कस किए हैं, ऋग्वेद और सामवेद गाइस, ठीक है। ऋग्वेद और सामवेद की हमने आज जो कंटेंट है हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू हमने डिस्कस किया है, आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है। ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कुछ सिलेक्टेड पढ़ें, एक बार नहीं दो बार तीन बार वीडियो को देख लें, या उसको जो पॉइंट लिखाए गए हैं इन पॉइंटों को आप राइट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, आसानी भाषा में अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। सिर्फ सारी चीज़ें समझने के लिए हैं, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है कि सर कैसे रटा जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। एक पॉइंट रह गया इसमें, सामवेद में जो उद्गाता जो होता है, उद्गाता को कहते हैं पाठकर्ता है, जो रीडर है, जो रीड करेगा, जो पाठ करेगा उसको हम उद्गाता बोलेंगे। तो ये पार्ट मैंने बता दिए हैं आज ऋग्वेद और सामवेद से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे यजुर्वेद और अथर्ववेद से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में मतलब इम्पोर्टेंट साबित होंगे गाइस, ठीक है। अगर कोई इशू होता है, कोई क्वेश्चन अगर कोई छूटता है या फिर समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके भी डिस्कस कर सकते हो, और मैं अपना नंबर भी छोड़ता हूँ इस पर, ठीक है गाइस, ओके। तो नेक्स्ट बात करेंगे यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में डिटेल्स के साथ, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए हैं, डोंट वरी, बस कोशिश करें कि हर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर रहें हमेशा के लिए। क्राउड बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें, हार्ड पढ़ लें, इससे क्या हमारा ब्रेन भी ठीक रहेगा, एक बैलेंस बनता रहेगा, ठीक है, ओके। नमस्कार, गुड नाइट।